लगातार बढ़ती जा रही है। 18 बार बैठ करके चर्चा करने के उपरांत भी, ये तो शुक्र हुआ पैंगांग के अंदर हमारी फौजें पिछली बार जो उनके शहीद हुए थे उनकी समाधियां मिली है, उनके अंदर फैल गई है। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जो लोग इस विषय पर भी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग कहने दे लाल आंख दिखानी चाहिए, अरे भाई पैंगोंग के अंदर लाल आंख दिखाई नहीं हमने? जी पिंगल को हम उधर ही राज का प्रोटेस्ट, जी पिंग का जूतों से स्वागत, और पैंगोंग के अंदर जो इस तरह की हरकत करने का प्रयास करा है वो रास नहीं आ रही है। वहाँ हमारी सेनाएं सतर्क थी, इसलिए 200 नौजवान जो उनके आए थे उनको मुक्की खानी पड़ी, और वो सतर्कता और वो हमारी फौजियों की कार्रवाई, वो रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी की सोच, और आगे आर्मी के माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास किया गया जब उनको फ्री हैंड दे दिया गया। और ये जो एक पिक्चर बार बार 30 जो वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं, ये पिछली बार की इतिहास के पन्नों को दोहरा करके ये आज प्रूव हो गया है कि ये जो समाधियाँ हैं ये प्रूव करना चाहती हैं कि पिछली बार उनके लोग मारे गए थे, लेकिन उनके लोगों के मरने के उपरांत भी यहाँ पर अपोजिशन ने क्या क्या कहा, आज उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा। और इसलिए जो अपोजिशन आज यहाँ आंखें दिखाने की बातें मोदी जी को कर रही है, मैं समझता हूँ आज देश इकट्ठा होना चाहिए, आज देश मिलकर के पाकिस्तान और चाइना को एक उत्तर देना चाहिए, और वो उत्तर सब मिल करके दे, एक आवाज़ से दे, ताकि चाइना नस्ते नबूद हो जाए, और वियतनाम के अंदर जो अमेरिका उस पर हमला कर रहा है यहाँ से हिंदुस्तान करे और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, यही सोच आज लेकर के इस प्रोटेस्ट को करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आओ सर।